अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मी एंड माय बेबी डायपर जो है उसके बारे में रिव्यू। डायपर कैसा है, इसके प्राइस क्या है, आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, ये जो मी एंड माय डाइपर है इसमें मेरे पास साइज़ 4 है और ये है 8 to 15 kg के बच्चों के लिए, लार्ज है और ये मुझे मिला है 1250 रुपीज़ में। ठीक है, डिफरेंट जो है शॉप से डिफरेंट प्राइजेज होती हैं लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होता, 100-150 का होता है। तो ओवरऑल ये डाइपर आप देख सकते हैं, बाकी जो है साइज़ 4 में मिलते हैं, उनके जो पीसीज हैं वो भी 60 होते हैं और प्राइस भी हाई होती है। जैसे मोलफिक्स लगा लें वो 1650 का है, मोमसी है 1500 का। तो ओवरऑल इसकी क्वालिटी जो है अच्छी है। अगर आपका बेबी जो है बार बार डाइपर जो है गंदा कर रहा है या फिर उसे मोशन लगे हुए हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बेबी को रैशेज़ नहीं होता तो आपके बेबी के लिए ये डाइपर जो है बेस्ट है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रांडेड बस ऐसे ही नाम बने हुए हैं। डायपर ओवरऑल अच्छा है, बस ये है कि अगर आपके बेबी को रैशेज़ नहीं होते तो आप टेंशन फ्री होकर ये जो डायपर है मी एंड माई यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रेश ब्रीथ ब्रीदेबल कवर अलोज फ्रेश एयर टू सर्कुलेट थ्रू द कवर। सुपर सॉफ्ट है, नॉन वोवन है, सेंटर वाटर कंजर्वेंसी प्रोसेसर है। मैजिक जो है इसका वो भी अच्छा है, एक दफ़ा यूज़ करके अगर दोबारा एडजस्ट करें तो वो ख़राब नहीं होता। ओवरऑल बात कर लें तो डायपर अच्छा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यूज़ करें। इन केस ऑफ अगर आपके बच्चे को रैशेज़ होते हैं तो फिर आप ज़रा देख लें, फिर आप ये यूज़ ना करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो जानने के बारे में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाज़त बहुत सी दुआओं के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।